दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नाउ इन हैदराबाद। ये मरद के जन्म में नहीं पैदा हुई असदुद्दीन अकबरुद्दीन, इन खाली चापलूसी तलवा चाटी कर सकते हुकूमतों के। ये केटीआर की पार्टनरशिप है हॉस्पिटलों में। आई विल सी हाउ दिस ब्लडी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग। इटला राजेंद्र राजाना हॉस्पिटलों को केटीआर राजाना, सीएम केसीआर निकल के अपने घर से आना, आके गरीब को इंसाफ दिलाना। कोविड-19 का जो केसेस राइज होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ये बहुत ही खतरनाक बात है और हुकूमत जो है दिन पे दिन लापरवाही बढ़ते जा रही है। सबसे पहले तो ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो जुल्म हो रहा, यानी जो बिल्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, तो इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का एक जियो आया था 15 जून 2020 के दिन, जियो आरटी नंबर 248, जिसमें लिखा गया था कि फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन 4,000 रुपये, चार्जेस फॉर आईसीयू 7,500 रुपये, चार्जेस फॉर आईसीयू विद वेंटिलेटर 9,000 रुपये। तो ऐसे कुछ रेट्स दिए गए थे तीन जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रीट करने के लिए। तो उमन तो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है, अगर इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा गांधी हॉस्पिटल और नीम्स हॉस्पिटल, ये बस नहीं हो रहे थे ट्रीट करने के लिए, तो ये लोग क्या करना चाहिए था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोलना था कि आप कोविड पेशेंट्स का इलाज करो, बिल जो है सीएमआरएफ में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, या नहीं तो आरोग्य श्री में हम देंगे बोल। लेकिन हुकूमत, हमारे केसीआर साहब जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े चाणक्य है, बड़े चालू चीज है, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बहुत गालियाँ सुन रहे थे आवाम के ये कोविड-19 में बिल्कुल या तौर पर फेल हो गए बोलकर, तो एक जियो इशू कर दिए, अपने खांदे पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दिए, जियो इशू कर दिए। कोई भी जियो इशू होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। खाली जियो इम्प्लीट करना नहीं होता है। कुछ दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची हुई है, मेरे पास कई बिल्स आए हुए हैं, यानी 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर जो है 3,40,000 रुपये यशोदा हॉस्पिटल की ये बिल आई हुई है, फिर एक मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है 12.5 लाख रुपये की, मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा, उन्हें वंस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा तो पहले तो बेड नहीं है, बड़े रिकमेंडों के साथ, बड़े झगड़ों के साथ आइसोलेशन वार्ड में बेड मिल रहा है, यानी तो आईसीयू में बेड मिल रहा, और 1.5 लाख रुपये डेली खर्चा है, 1,50,000 रुपीज रोजाना खर्चा है। इसके अंदर जो है हमारे सीएम साहब बिल्कुल ही खामोश है। सिटी के एमएलएस की मीटिंग बुलाकर, इंचार्ज मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर, हॉस्पिटल वालों की मीटिंग बुलाना चाहिए, कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, साइबराबाद, रचाकोंडा, हैदराबाद, तीनों पुलिस कमिश्नर्स को बुलाना, तीन डिस्ट्रिक्ट लगते, मेदक भी इसमें पार्ट है, तीनों का जो है कलेक्टर्स को बुलाना, हेल्थ मिनिस्टर को, सिटी के पूरे एमएलएस, पूरे एमपीस, राज्यसभा एमपीस और एमएलसीस, मेयर, डिप्टी मेयर, इनको बुलाकर सीएम साहब मीटिंग लेना, लेके हॉस्पिटल वालों को पाबंद करना कि अगर कोई हॉस्पिटल ये 248 जियो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा तो मैं वो हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर डालूंगा। ऐसा नहीं हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोको, मालिक को इशारो। तो सीएम साहब तो दे दिए, गरीब मर जा रहा, चोरी करना बाकी है गरीबों को, सूद खरा जो है मनी लेंडर्स हॉस्पिटल्स के वायर थैर के पेशेंटों के डॉक्यूमेंट्स, उनके घरों का या उनके ऑटो है या गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रख के सूद पे पैसे दे रहे, हॉस्पिटलों के बाहर फाइनेंसर्स ठहरे हुए हैं, हुकूमत खामोश है। सिटी में जो 35 MLAs है और खास तौर पर जो AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अकबरुद्दीन, ये जो है चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने में इनकी जो है कोई दिन नहीं गुजरता। KTR के फार्म हाउस पर कांग्रेस वाले केस डाले, रेवंत रेड्डी उन लगा, तो मैटर इज इन द कोर्ट बोल सकते थे,
कोर्ट में है मैटर, जाओ जाके लड़ लो, बोलते हैं इनू जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लकवा मारा, हाई बीपी होके इनके मुंह को लकवा मार दिया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूट पे नहीं बोल रहे हैं, खुद अपना दवाखाना बंद कर लेके बैठ गए। अब क्या बहाना बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही असरा और दक्कन मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अरे तुम खुद बोलते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी खुद बाबा नगर के जलसे में बोले, हम जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकते, हम जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा सकते, हम जिसको चाहे उसको सीएम बना सकते। तुम इतने ताकतवर पॉलिटिशियन, तुम एक असरा हॉस्पिटल दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं ला सक रहे कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, बताइए क्यों नहीं ला सक रहे भाई? तुम खुद नहीं करना चाह रहे, तुम अपनी कौम को अपने वोटरों को मरने के लिए छोड़ दिए। कोई इलेक्शन नहीं है, देखेंगे फिर एमएलए असेंबली इलेक्शन 4 साल है, जब लड़ लेंगे पैसे खर्चा कर देंगे, जब लड़ लेंगे। ना खुद अपना हॉस्पिटल चेंज कर रही, ना जाके आज से कुछ दिन पहले बहुत ही जैसा कि आपको याद है कि सुरवरम सुधाकर रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नलगुंडे के, उन्होंने उनके कोई गांव के नलगुंडा पार्लियामेंट कांस्टेंसी के यशोदा हॉस्पिटल में कोई लेबर इलाज के लिए आए थे, उनको 4 लाख रुपए बिल मारे थे। और हमारे केएम खान साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, एमए खान साहब कांग्रेस के, उनकी अहिल्या यशोदा हॉस्पिटल में गए थे, तो उनके साथ भी जो है एमपी रहने के बावजूद उनको कुछ 50,000 रुपए चार्ज किए थे। तो सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को जाके ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है उसके ऊपर कंप्लेंट देके पार्लियामेंट कमेटी बिठाए थे। वो कमेटी बिठाने के बाद में कई दिन तक हॉस्पिटल्स में ये नहीं बढ़ रहा था। आप मान लीजिए अगर आप जाके ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे या यूरिन का टेस्ट करवाएंगे तो बाहर जो रेट है उसका रेट रहता 200-300 रुपये, 500 रुपये रेट रहता उसका। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है यशोदा, अपोलो, विरिंची, सन सिटी, ईमैक्स, ये जितने हॉस्पिटल्स है इसमें जो रेट रहता 1800-1500 रुपये रेट रहता। हुकूमत चाहिए तो 2 मिनट का काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए चाहे तो 2 मिनट का काम है। हर हॉस्पिटल के सेल्लार में, हर हॉस्पिटल की जो भी बिल्डिंग है सेल्लार में, डबल सेल्लार में काम है। जबकि बल्दिया का जो कानून है कि कोई भी सेल्लार में हॉस्पिटल ऑपरेशन नहीं करना, आप जाके कोई भी यशोदा हॉस्पिटल देखिए, सेल्लार में जो है पूरा काम कर रहे हैं लोग, आउट पेशेंट डाल के रखे हुए। अपोलो हॉस्पिटल जाइए, यशोदा हॉस्पिटल जाइए, विरिंची हॉस्पिटल जाइए, सन सिटी हॉस्पिटल जाइए, जीएचएमसी कमिश्नर अगर बुला के बोला पूरे सेल्लार का कारोबार बंद, सीधा ये जियो को मानो, 2 मिनट में मानते जियो को। तो हुकूमत की नीयत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, दीगर जितने टीआरएस के एमएलए से सिटी में, जो टीडीपी से भी जीते टीआरएस में जम करे, श्रीनिवास यादव मिनिस्टर साहब है खामोश बैठे हुए हैं, महमूद अली होम मिनिस्टर खामोश बैठे हुए हैं, आपके और दीगर जितने भी एमएलए है एमआईएम से छोड़ के टीआरएस के एमएलए से पूरे खामोश है। पब्लिक को लूटने दो, मर जान दो, घर बिक जान दो, इनके प्रॉपर्टीज बिक जान दो, इनका सोना बिक जान दो, ये उधार सुधार लाके चोरी करके डाका डाल के अपने लोगों को बचा रही है लोग। रोजाना मरने की तादाद सही हुकूमत नहीं बता रही, कोविड पॉजिटिव जितने मर रहे, जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे वो सही नहीं बता रही। तो मेरी एक गुजारिश है, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि वक्त आ गया है कि इनको डंडा मारने का, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और हुकूमत का कान मोड़ने का वक्त आ गया है। और ये किसी में हिम्मत नहीं है, कोई मायका लाल नहीं कर सकता है सिवाय अमजदुल्ला खान के। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, लेकिन आपकी हेल्प होना मुझे, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो मुझे लाके ओरिजिनल बिल देना, उनकी ओरिजिनल बिल लाके, जैसा ये बिल है देखिए आप, ये जेराक्स लाके दिए, जेराक्स नहीं चलती, आप ओरिजिनल बिल लाके दीजिए 10 हॉस्पिटल्स के, हर हॉस्पिटल की एक बिल होना। मैं जाके अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बड़े से बड़े वकील को रखूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हम मूव करेंगे कि ये जियो के तहत हॉस्पिटल इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो बराए करम जो भी लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिनकी बिल बढ़ के आ रही है, ये समझते हैं कि
हमारे साथ बिल बढ़ के आई है, आप लाके वो बिल दीजिए। बड़ी बात नहीं, कान मोड़ दूंगा पूरे हॉस्पिटलों की। याद है ना हेलमेट का कैसा जुलुम चल रहा था पुलिस वालों का, कैसा जुलुम बंद करा, कैसा हेलमेट पहनाया पूरे पुलिस वालों को, चालानों का हो रहा था, बाद में पुलिस वालों को चालाना मार के कैसा राइड करा, बल्लिया का कचरा नहीं उठ रहा था जब मैं कारपोरेटर था, जब बल्लिया कमिश्नर का कैसा बैंड बाजा बजाया था, याद है ना। अब वक्त आ गया मेरे भाइयों मेरा साथ दो, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, ये छोड़ो, ये मर्द के जन्म में नहीं पैदा हुई असदुद्दीन अकबरुद्दीन, इन्हों खाली चापलूसी तलवा चाटी कर सकते हुकूमतों के। ये KTR की पार्टनरशिप है हॉस्पिटलों में, इसलिए हॉस्पिटलों को नहीं दबा रहे ये लोग, और हर बड़े लीडर की फैमिली को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल परसेंटेज दे रहे हैं 50% बिल माफ। मैं भी चाहा तो जाके मेरे भी रिश्तेदारों का दो गालियां दिया घुस के अंदर दवाखाने में, तो परसेंटेज मिल जाता मेरे को। मैं नहीं गरीब के लिए करना चाह रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले लाइट के मीटरा बदला रहे थे, याद है ना आप लोगों को, कौन रुका है शहर में। मैं मधु MP जाके हाई कोर्ट से स्टे लाके ये नए मीटरा जो चाइना के डाल रहे थे उसको रुकाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। मैं मधु MP दोनों कोर्ट को गए, फील्ड पे मार के हकाले लाइट वालों को, कई केसेस बुक हुए। अब वक्त आ चुका है कि ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का कान मोड़ना, अब वक्त आ चुका है कि CM KCR KTR को धक्का देने का वक्त आ गया है। तो सिवाय अदालत के इसमें कुछ नहीं कर सकते आप मुझे बिल्स लाकर दीजिए, आप मुझे कॉल करिए मेरे फोन पे, मैं आप जहां पर है मेरे लड़के को भेजूंगा, मेरे ऑफिस से लोग आएंगे। आई नीड द ओरिजिनल बिल, आई रिक्वेस्ट ऑल दोस हु आर सीइंग माय वीडियो काइंडली सप्लाई मी द ओरिजिनल बिल्स ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, दोस कोविड पेशेंट्स हु आर बीइंग चार्ज लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज। आई विल सी हाउ दिस ब्लडी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग। देर विल बी ए वन डे दैट दे हैव टू ट्रीट एज पर दिस GORT नंबर 248। आई रिक्वेस्ट द जनरल पब्लिक टू कोऑपरेट विथ मी, मुझे बिल्स ला के दो, मैं बैंड बाजा बजा डालूंगा, ये पूरे हुकूमत के ऐवानों को हला डालूंगा। इटला राजिंदर आ जाना हॉस्पिटलों को, KTR आ जाना, CM KCR निकल के अपने घर से आना, आके गरीब को इंसाफ दिलाना। हक जो है घर में बैठे तो नहीं मिलता मेरे भाइयों, हक हासिल करने हुकूमतों के गिरेबान पकड़ना पड़ता, चीफ मिनिस्टर का, KTR का, इटला राजिंदर का गिरेबान पकड़ना पड़ता तो हक मिलता, और हक लड़ने से मिलता, घर में बैठने से नहीं। मजलूम की कोई आह नहीं सुनता, जाओ जाकर हक पे लड़ो, ये लाओ बिल लाओ, 50 आदमी तैयार हो, 50 PILs डालेंगे हम हाईकोर्ट में, अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग 50 PIL डालेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लाएंगे, 10 दिन के अंदर राहत दिलाने का वादा। मगर आप कॉपरेट करिए, अगर आप मुझसे कॉपरेट नहीं करेंगे, आप लोग बिल ला के नहीं देंगे, अकेला अमजदुल्ला खान नहीं लड़ सकता। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जिसको तकलीफ होती है वो पिटिशनर बनना पड़ता है। लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिए। यार जिंदा सोबत बाय। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नाउ इन हैदराबाद।